वकील नासमझी का मुजाहरा कर रही है, लेकिन आपको तहमुल से काम लेना होगा। घर तोड़ना बहुत आसान है, लेकिन घर बनाने में उम्रें लग जाती हैं। और वकील ने अपना घर बनाने के लिए बहुत जान मारी है, ये आप भी जानते हैं और मैं भी। थोड़ा सा वक्त दें उसे, मुझे पूरा यकीन वो समझ जाएगी, मान जाएगी। आप लोगों के बगैर नहीं रह सकती है। आप क्या कहना चाह रहे हैं? अगर आपने आप दूसरी शादी कर ली तो फिर सुलह का रास्ता तो बिल्कुल बंद हो जाएगा। दूसरी शादी? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मेरा पिछला मैं सभी निमटा नहीं है, और आपको लगता है मैं जवान बच्चों के साथ अब दूसरी शादी करूंगा? ये ख्याल आपके जहन में आया भी कैसे? आपकी अम्मी आई थी, बहुत गुस्से में थी, वही बता रही थी कि आप हमना को पाकिस्तान भेज रहे हैं और दूसरी शादी कर रहे हैं। और ये खबर कुकी तक भी पहुंच गई होगी? नहीं, अभी तक तो ये खबर उस तक नहीं पहुंची, लेकिन अगर आपकी अम्मी ने कहीं और जाके ये बात की तो फिर हो सकता है कि पहुंच ही जाए। ठीक है, आप फिक्र ना करें, अम्मी को मैं संभालूंगा। तो बस फिर आप फिक्र ना करें, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कुकी पर दबाव डालने की। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। बात तो दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है अदनान। अम्मी को क्या जरूरत थी वहां जाकर इस किस्म की बात करने की? अपनी तरफ से तो उन्होंने मसले का हल करना चाहा था। उन्हें क्या लगता है कुकी को मेरी दूसरी शादी का पता चलेगा तो वो डर जाएगी? अब छोड़ो भी अदनान, असल मसला तो वही जो का तू है ना। अब मैं क्या करूं, नहीं तो समझ में नहीं आ रहा कुछ। कुकी इस तरीके से बच्चों से बेपरवाह हो जाएगी, यकीन ही नहीं आ रहा है। बच्चों में तो जान थी उसकी। बच्चों को तो बिल्कुल भूल गई हो। तुम आ जाओ अदनान। नौकरी का क्या करूंगा? नौकरी, बिजनेस, पैसा सब वापस आ जाएगा, लेकिन एक दफा घर टूट गया ना तो कभी नहीं बनता। क्या थी वजह जो की बेवफाई, यादें जला के राख उड़ाई। क्या थी वजह जो की बेवफाई, यादें जला के राख उड़ाई। जाने जरूरी क्यों था दर्द जुदाई, होने लगी है क्यों ये सांसें पराई। ये हाल दिल हम कह भी ना पाए, तन्हा ऐसे कहीं मर ही ना जाए। ये हाल दिल हम कह भी ना पाए, तन्हा ऐसे कहीं मर ही ना।